नमस्कार बच्चों बच्चों आज हम आज्ञाकारी घटोत्कच पाठ से विपरीतार्थी शब्द पढ़ेंगे। तो विपरीतार्थी शब्दों को और क्या कहते हैं? विलोम शब्द भी इसे कहते हैं। ठीक है, विपरीतार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा? विलोम शब्द। तो चलिए कुछ विलोम शब्दों का ज्ञान बढ़ाते हैं। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, तो उसका विलोम शब्द होगा कनिष्ठ, सबसे छोटा। भविष्य, आपने काल पढ़ा होगा ना, भविष्य जो आने वाला समय हो, और अतीत जो आपका समय चल रहा है, प्रेजेंट। तो भविष्य का विपरीतार्थी शब्द होगा अतीत। विजय, विजय मतलब विक्ट्री, जीत, और उसका विलोम शब्द होगा पराजय, मतलब हार। लेकिन आप ये याद रखिएगा, जैसे हार जीत होता है तो आप विजय के साथ हार नहीं डाल सकते, आपको पराजय ही लिखना पड़ेगा, यही शब्द आपको प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट शब्द वीर, तो वीर का विपरीतार्थी शब्द होगा कायर। वीर मतलब बहादुर और कायर मतलब डरपोक। बलशाली, जिसमें बल हो, बलहीन जिसमें बल नहीं हो। देखिए इसमें शाली प्रत्यय लगा है और इसमें हीन प्रत्यय लगा है, तो बलशाली का विपरीतार्थी शब्द बलहीन। विलंब, विलंब मतलब देर, शीघ्र मतलब जल्दी, विलंब मतलब देर, तो उसका विपरीतार्थी शब्द शीघ्र। बच्चों इनको याद करिए, अभ्यास करिए और खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।